चीन समर्थक लबी को सुप्रीम कोर्ट रे झटका। चारधाम प्रकल्प मामलें मोदी सरकार का विजय। भारत चीन सीमा सह लगी सड़क प्रशस्त करने को कोर्ट देले अनुमति। भारत चीन सीमार सड़क भित्तिभूमि को दृढ़ करने को भारत सरकार का प्रयास को सुप्रीम कोर्ट रे परिवेश आलरे विरोध करुवा लबी को झटका लगी। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को यह महत्वाकांक्षी चारधाम प्रकल्प को अनुमति प्रदान कर। सुप्रीम कोर्ट ऑल वेदर राजमार्ग प्रकल्प रे सड़क को ओसारिया करबा को और डबल लेन हाईवे करबा को केंद्र सरकार को सबुज संकेत देछथि। एही अनुमति मिलबा परे भारत को चीन सीमा जाए पहुंचबा सहज होछबो ओ कोनोसी पागरे मध्ये भारतीय सेना चीन सीमा को आराम रे पहुंची पाइबो। एठारे उल्लेख करा जाय पारे जे परिवेश रक्षा बहाना रे चीन को लाभ पहुंचाइबा पई भारत रे थिबा चीन समर्थक लबी चेष्टा करथिला। सुप्रीम कोर्ट रे सिटीजन फॉर ग्रीन जोन नामक एनजीओ पक्षरु एक आवेदन करा जायतिला। एही आवेदन रे कुहा जायछि जे भारत चीन सीमा रे सड़क गुड़ी को चौड़ा करा जिबा को अनुमति न दिया जाय कारण एहा द्वारा परिवेश उपरे कु प्रभाव पड़िबो। कलिन गंजाल्वेस नामक जने वकील एही एनजीओ पक्षरु एही आवेदन करथिले। मोदी सरकार 2014 मसीहा परठारु देशर निरापत्ता दृष्टि चीन सीमार सड़क पथ और अन्य भित्तिभूमि निर्माण कम को जोरसोर करने को लगी। क्रम भारत सरकार चीन सीमार सड़क मार्ग को चौड़ा पदक्षेप तेरे एनजीओ चाहून जे भारतीय सीमार भारत तार सड़क पथर भित्तिभूमि को शक्तिशा करू। चीन तार सीमावर्ती अंचल भित्तिभूमि निर्माण कम करुवा बेले एनजीओ चाहूला भारत एपरी न करू और भित्तिभूमि क्षेत्र में भारत चीन तुलन में दुर्बल हो रु। एनजीओ सुप्रीम कोर्ट रे जो आवेदन करा प्रकारांतर चीन को लाभ पहुंचाई उद्दिष्ट था हेले उक्त एनजीओ यह कम को अटकवाई परेश आल नहीं कारण से माने जानती सीधा सीधा यह सड़क भित्तिभूमि को विरोध करवेश विरोध कले भूल बोली कहुपर ना तेरे सुप्रीम कोर्टर यह निर्देश एपरी चीन समर्थक लबी बड़ झटका बोली कहु। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।